सब जगह चारों तरफ गंदगी ही गंदगी रहती है। कैनाल में देखो रोज कचरा डाल जाते हैं, कैनाल में गंदा पानी छोड़ते हैं। इधर की पब्लिक बहुत हैरान है लेकिन कोई सुनने वाला है नहीं। रात को मतलब 7 बजे के बाद निकलते हैं यहाँ से तो मच्छर इतने आते हैं, कान में आँख में सब जगह घुस जाते हैं और रास्ता भी खराब है, चारों ओर गंदगी गंदगी। और जीव जंतु का भी इतना परेशान है कि जिससे कोई निकल हो नहीं रहा है। बारंबार सरकार से रजूआत कर रहे हैं यहाँ के पूर्व स्तर के लोग, ये विराटनगर के वार्ड के लोग, लेकिन कोई प्रश्न हल नहीं हो रहा है। नमस्कार मित्रों, पंचायत टीवी में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं ओढ़ो के विराटनगर केनाल के पास। मोदी जी का नारा है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, लेकिन यहाँ पर जो स्वच्छ भारत की धज्जियाँ उड़ती दिखाई दे रही हैं। आइए हम बात करेंगे यहाँ की जो गंदगी की समस्या है, यहाँ के स्थानिकों से बातचीत करेंगे कि उनकी क्या समस्याएं गंदगी के बारे में। विराटनगर केनाल रोड पर क्या पण डस्टबिनों मुकवामा कॉर्पोरेशन तरफ से आया नहीं ने जैन त्या पब्लिक है ने एठवाड गंदवेड़ कचरो त्या फेंके छे रोड पर। यहाँ मोदी जी का नारा है और गुजरात सरकार भाजपा का नारा है स्वच्छता और सर्वांगी विकास, लेकिन ये पूर्व विस्तार में ठेर ठेर गंदगी का ढग हो रहा है और कोई सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है कि जो गंदगी कम हो हुए। और ये गंदगी के हिसाब से यहाँ लोगों बारंबार बीमार पड़ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, और जीव जंतु का भी इतना परेशान है कि जिससे कोई निकल हो नहीं रहा है। बारंबार सरकार से रजूआत कर रहे हैं यहाँ के पूर्व स्तर के लोग, ये विराटनगर के वो वार्ड के लोग, लेकिन कोई प्रश्न हल नहीं हो रहा है। थोड़ा कम हुआ है लेकिन परिस्थिति तो वो नहीं वो ही है। अभी भी यहाँ वाहन चलते हैं तो रोड के वाहन के साथ और लोग के पैर में ये डामर चिटक रहा है। कोई सॉल्यूशन इतना नहीं आया है कि जो सही हुआ है। रात को मतलब 7 बजे के बाद निकलते हैं यहाँ से तो मच्छर इतने आते हैं, कान में आँख में सब जगह घुस जाते हैं और रास्ता भी खराब है, चारों ओर गंदगी गंदगी है। तो यहाँ पर मलेरिया की समस्या काफी है, बीमार भी रहते हैं लोग, बीमार भी ज्यादा रहते हैं लोग इसकी वजह से। इधर गंदगी बरसों से है, म्यूनसिपालिटी वालों को भी बहुत बोला, बहुत फरियाद की लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इधर की पब्लिक बहुत हैरान है लेकिन कोई सुनने वाला है नहीं। सब जगह चारों तरफ गंदगी ही गंदगी रहती है। कैनाल में देखो रोज कचरा डाल जाते हैं, कैनाल में गंदा पानी छोड़ते हैं, सब हैरान परेशान हो गए। एमसी की कोई गाड़ी आती नहीं है, एमसी का 2-2 किलोमीटर पर डब्बा रखा है, कौन आएगा इधर कचरा डालने? कोई घर पे आते हैं कचरा लेने, कोई वहाँ थोड़ी डालने जाएगा डब्बे में, घर से ले जाओ कचरा तो काम हो ना। हाँ, कोई कोई सोसाइटी में कोई कोई फ्लोर पे नहीं जाती है, बाहर से ही निकल जाती है। एक कैनाल 3 विधानसभा से पसार हो रही है और 3 धारा से भी ये विस्तार गटर लाइन के ये उसको सीधी गटर लाइन ही बोलते हैं, कैनाल नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये गटर लाइन जैसा ही काम हो रहा है। केमिकल माफिया ये लाइन में केमिकल भी छोड़ देते ये उसका। ये विधानसभा का धारा सभ्य पर्यावरण और पर्यावरण मंत्री है लेकिन ये उसके सामने कोई ध्यान ही नहीं देता है कोई धारा सभ्य। बजट हर साल ये कैनाल के लिए लेते हैं लेकिन ये काम कभी भी नहीं हो रहा है। ये गटर लाइन जैसा ही काम है ये कैनाल का। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मिशन की धज्जियाँ उड़ रही हैं। लोगों का कहना है कि एमसी की गाड़ियाँ घर घर नहीं जा रही हैं, तो यहाँ की लोगों की अपील है कि कम से कम यहाँ से कचरा साफ हो, कैनाल साफ हो, इस तरह से उनकी मांग है। कैमरामैन मुकेश परीख के साथ केशव मिश्रा, पंचायत टीवी, अहमदाबाद।